अब तो आ गया, अब तो आवाज आ गया होगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है। बच्चों टेस्ट कैसा हुआ आपका? टेस्ट कैसा हुआ? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ थोड़ा बहुत कभी कभी होता है ऐसा, लेकिन प्रैक्टिस में नहीं आना चाहिए। देखो बच्चों आपने फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया है ना, आपको ऑब्जेक्टिव का नॉलेज भी नहीं था, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं। हाँ मस्त रहेगा, चिंता मत करो, आप सब बढ़िया होगा। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके ओके, स्टार्ट करते हैं अपन। अच्छा है बच्चों, अच्छा बच्चों, आवाज सही आ रहा होगा अब तो? आवाज सही आ रहा होगा? ओके ओके ओके, चलो ठीक है, अब करते हैं स्टार्ट। बच्चों देखो, लास्ट में मैं आपको जो पढ़ा रहा था वो था पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड से स्टार्ट करना है अपने पास, है ना? पहले भी बता दिया था वैसे तो मैंने पेप्टाइड बॉन्ड। अच्छा ज्यादा पास नहीं करना, ठीक है ठीक बच्चों। देखो स्टार्ट करते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। बताओ बच्चों प्रोटीन का यूनिट क्या होता है? प्रोटीन का यूनिट बोलो बच्चों, अमीनो एसिड। बिल्कुल, जिस तरह से हमने आपको जब पॉलीसेक्राइड पढ़ाया था, याद हो तो पॉलीसेक्राइड जब पढ़ाया था तो मैंने यूनिट बताया था वहां पे, बोलो क्या? मोनोसेक्राइड। और वहां पे मोनोसेक्राइड मोनोसेक्राइड के बीच में बॉन्ड कौन से थे बच्चों? कौन कौन से बॉन्ड थे बोलो? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। वहां पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट थे, बिल्कुल। एक मिनट बच्चों, हाँ बच्चों, हाँ बच्चों, तो यहाँ पे जो प्रोटीन है उसका अमीनो एसिड होता है, प्रोटीन का यूनिट होता है अमीनो एसिड। इसी तरह उसी तरह से जिस तरह से हमने पॉलीसेक्राइड में पढ़ा था, वहां पर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड था और उसका यूनिट था मोनोसेक्राइड। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए प्रोटीन बनाने के लिए, सर म्यूट करो। एक मिनट बच्चों,
सर खुद को म्यूट कर रहे हो। अब ठीक है सब। अब ठीक है, अब ठीक है। हाँ वो छूट गया था, कोई बात नहीं, चलो पढ़ते हैं। हाँ भाई मैं बता रहा था आपको ये पेप्टाइड बॉन्ड। अच्छा बताओ बच्चों, इस प्रोटीन को बनाने में मैंने कितने अमीनो एसिड्स का यूज किया? टू अमीनो एसिड्स को यूज किया ना। अरे इस प्रोटीन को बनाने में टू अमीनो एसिड यूज किए हैं भाई, और बताओ नंबर ऑफ रिलीज्ड वाटर मॉलिक्यूल कितना है? वन है। पेप्टाइड बॉन्ड कितना है? वन। याद करिए बच्चों, लास्ट में मैंने आपको जब पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि जितने अमीनो एसिड को अटैच करवाओगे उससे एक कम वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, और जितने वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे ना उतने ही पेप्टाइड बॉन्ड्स बनेंगे। यहां तक अपनी बात हो गई, ठीक है। अब देखिए एक बात, अब जो मैं बोल रहा हूँ बच्चों उसको बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूँ। इससे बायोलंपिया 2008, 2012 और 2017 और 18 चार पांच बार क्वेश्चन आया हुआ है बायोलंपिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और एक बार ऑल इंडिया पीएमटी में भी आ चुका है क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। देखो बच्चों, कभी मैं प्रोटीन बोलूंगा, कभी मैं प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड बोलूंगा, तो कभी पेप्टाइड बोलूंगा, कभी मैं प्रोटीन को प्रोटीन बोलूंगा, कभी मैं पेप्टाइड बोलूंगा, तो कभी पॉलीपेप्टाइड बोलूंगा। लेकिन याद रखना सबका मतलब एक ही है। क्या क्या बोलो? या तो प्रोटीन बोलो, या फिर पॉलीपेप्टाइड बोलो, या फिर पेप्टाइड, तीनों का मतलब एक ही है। अरे लेकिन डिफरेंस है, सबसे छोटा पेप्टाइड उससे बड़ा पॉलीपेप्टाइड और सबसे बड़ा प्रोटीन। एक बार बताओ बच्चों, प्रोटीन में एटलीस्ट कितने अमीनो एसिड्स होने चाहिए? कोई भी प्रोटीन हो, सिंपलेस्ट जो प्रोटीन होगा एटलीस्ट उसमें कितने अमीनो एसिड होने चाहिए बच्चों, बोलो? टू होने चाहिए। अरे सिंगल तो अमीनो एसिड ही हो जाएगा ना फिर वो। एटलीस्ट प्रोटीन बनाने के लिए टू अमीनो एसिड्स कंपलसरी होंगे, और याद रखिए बच्चों, टू अमीनो एसिड से जो प्रोटीन बनेगा, टू अमीनो एसिड से जो प्रोटीन बनेगा उसको बोला जाएगा डाईपेप्टाइड। क्या बोलोगे बच्चों, बोलो? डाईपेप्टाइड। तो एक बात बताओ, ट्राईपेप्टाइड में कितने अमीनो एसिड्स होंगे? ठीक है, तो बताओ बच्चों, हेप्टापेप्टाइड में नंबर ऑफ रिलीज्ड वाटर मॉलिक्यूल कितने होंगे? हेप्टापेप्टाइड में नंबर ऑफ रिलीज्ड वाटर मॉलिक्यूल 6 होंगे। अरे यार हेप्टा पेप्टाइड मतलब कितने अमीनो एसिड? 7। हेप्टा पेप्टाइड मतलब 7 अमीनो एसिड। जब 7 अमीनो एसिड अटैच होंगे तो नंबर ऑफ रिलीज्ड वाटर मॉलिक्यूल 6 हो जाएगा। बताओ उसमें पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे बच्चों? नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इन हेप्टा पेप्टाइड 6। बिल्कुल सही बात है। अच्छा एक बार बताओ बच्चों, सपोज इस अमीनो एसिड का मॉलिक्यूलर वेट
ये अमीनो एसिड है, इसका मॉलिकुलर वेट एक्स है और इसका भी एक्स है मॉलिकुलर वेट, तो इस डाइपेप्टाइड का मॉलिकुलर वेट क्या होगा बताओ। गलत जवाब। अरे यार 2x कैसे हो सकता है? अरे जब दो अमीनो एसिड को आप लिंक करवा रहे हो तो एक वाटर मॉलिक्यूल भी तो रिलीज हो रहा है बच्चों, तो इसका आंसर आ जाएगा 2x-18। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा गया था बायोलंपियड में, 4-5 बार आ चुका क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लिखो, आंसर देना। अ टेट्रापेप्टाइड, लिखो क्वेश्चन, लिखो एक अ टेट्रापेप्टाइड is made up of four amino acids. A tetrapeptide made up of four amino acids. Each amino acid has Each amino acid has 110 molecular weight. Each amino acid has 110 molecular weight. Then what will be the molecular weight? Then what will be the molecular weight of that tetrapeptide? किसी बच्चों ने तो आंसर दे भी दिया फटाक से, 440-54। क्यों आया? अरे भाई जब 4 अमीनो एसिड्स को लिंक करवाओगे तो बताओ बच्चों नंबर ऑफ रिलीज वाटर मॉलिक्यूल 3 होंगे कि नहीं होंगे, तो आंसर आ जाएगा 386। बिल्कुल सही आंसर है। इस तरह से करते हैं ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं, स्पेशल अमीनो एसिड्स इसके बाद लूंगा स्पेशल अमीनो एसिड को। एक छोटा सा पॉइंट है, अब इसको और भी ज्यादा ध्यान से सुनना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों अब जो मैं पढ़ा रहा हूं। बताइए बच्चों प्रोटीन का यूनिट क्या होता है? एक मिनट, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कैसे आया मॉलिक्यूलर वेट, दोबारा से सुन लो। देखो भाई एक का मॉलिक्यूलर वेट 110 है, तो 4 अमीनो एसिड का इतना हो गया। अब जब आप 4 अमीनो एसिड को लिंक करवाओगे तो नंबर ऑफ रिलीज्ड वाटर मॉलिक्यूल कितना होगा? 3 होगा ना, तो 3 माइनस नहीं करोगे क्या यार, इसमें से एक का मॉलिक्यूलर वेट इतना होता है, तो 440-54 आंसर आ गया। बताया तो था सबसे छोटा पेप्टाइड, उससे बड़ा पॉलीपेप्टाइड, सबसे बड़ा प्रोटीन, ये डिफरेंस होता है। प्रोटीन ही है सारे, लेकिन छोटा स्मॉलेस्ट पेप्टाइड, उससे बड़ा पॉलीपेप्टाइड, उससे बड़ा प्रोटीन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बताओ प्रोटीन का यूनिट अमीनो एसिड, बिल्कुल सही बात है। अब मैं यहां पे कुछ अमीनो एसिड्स को लिंक करवा के 2 प्रोटीन बना रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखना उनको। पहला प्रोटीन, प्रोटीन ए, मैंने प्रोटीन ए को बनाने के लिए पहला अमीनो एसिड ले लिया मिथियोनाइन, फिर ले लिया मैंने लाइसाइन, इसके बाद ले लिया मैंने ट्रिप्टोफेन, इसके बाद ले लिया मैंने ग्लूटामिक एसिड, इसके बाद ले लिया मैंने एस्पार्टिक एसिड, और इसके बाद ले लिया मैंने सेराइन। ये प्रोटीन है ए। इसी तरह से एक प्रोटीन बनाया मैंने बी, मिथियोनाइन, ट्रिप्टोफेन, लाइसाइन, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, सेराइन। अब ध्यान से देखो बच्चों और जवाब दो। मैंने 2 प्रोटीन बनाए हैं, एक प्रोटीन है ए, एक प्रोटीन है बी। ध्यान से देख करके जवाब दो बच्चों, इन दोनों ही प्रोटीन में नंबर ऑफ अमीनो एसिड कितने हैं? सही है, ठीक है। बताओ ए प्रोटीन बी प्रोटीन दोनों में ही टाइप ऑफ अमीनो एसिड सेम है या नहीं?
बिल्कुल सेम है, दोनों प्रोटीन में नंबर ऑफ अमीनो एसिड सेम है, और जो अमीनो एसिड ए प्रोटीन में काम लिए मैंने, वही प्रोटीन को बनाने में अमीनो एसिड काम लिए बी प्रोटीन में। बोलो दोनों प्रोटीन में सेम अमीनो एसिड यूज है कि नहीं? बिल्कुल सेम है। लेकिन अब जवाब दो बच्चों, ए प्रोटीन एंड बी प्रोटीन दोनों ही सेम है क्या? नहीं है ना, तो यही मैं बताना चाह रहा था। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आंसर गलत देंगे आप देखना, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसका आंसर गलत आएगा आपका, कंफर्म बताओ। वेरिएशंस इन प्रोटीन डिपेंड ऑन, जानता था बच्चों आंसर गलत दो। अरे वो तो अमीनो एसिड की बात थी, अमीनो एसिड में वेरिएशन साइड ग्रुप पर डिपेंड करता है। ये प्रोटीन पूछ रहा हूं मैं, प्रोटीन ये अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड है। यस, प्रोटीन में वेरिएशन डिपेंड करेगा अमीनो एसिड की सीक्वेंस। ध्यान से देखो, इसमें लाइसिन आ रहा है सेकंड नंबर पे और इसमें आ रहा है थर्ड नंबर पर, इसमें ट्रिप्टोफेन आ रहा है सेकंड नंबर पर, इसमें आ रहा है थर्ड नंबर पर। तो आपसे पूछा जाए वेरिएशंस इन अमीनो एसिड्स डिपेंड ऑन, वेरिएशंस इन अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड साइड ग्रुप। आपसे पूछा जाए प्रोटीन में वेरिएशन किस पर डिपेंड करेगा, अब आंसर दो, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, यही लिखा हुआ है बच्चों यहां पर देखो। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन डिपेंड ऑन सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड एंड कॉन्फिगरेशन ऑफ प्रोटीन। अब ये प्रोटीन का कॉन्फिगरेशन क्या है, ये मैंने अभी नहीं पढ़ाया है, ये नेक्स्ट स्लाइड में आएगा। कॉन्फिगरेशन ऑफ प्रोटीन क्या है वो मैंने पढ़ाया ही नहीं, अरे नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा ना उसको तुम्हें। लेकिन बच्चों प्रोटीन में वेरिएशन किस पर डिपेंड करेगा, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बोलो? सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, बिल्कुल सही बात। अगला है स्पेशल अमीनो एसिड, इसका मतलब ये है मैं यहां पे आपको कुछ अमीनो एसिड्स के नाम बताऊंगा एंड उनके कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। जैसे पहला है यहां पर टायरोसिन अमीनो एसिड, अच्छा ठीक है लो, टायरोसिन अमीनो एसिड, ये जो टायरोसिन अमीनो एसिड है ये मेलेनिन पिगमेंट के फॉर्मेशन में हेल्पफुल है, ये थायरोक्सिन हार्मोन के फॉर्मेशन में हेल्पफुल है, ये एड्रिनलिन हार्मोन जिसका दूसरा नाम एपिनेफ्रिन है, नॉर एड्रिनलिन हार्मोन जिसका दूसरा नाम नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन है। अब इनमें से जो ये नाम आप देख रहे हो बच्चों, ये एक्चुअली क्या है, इनके बारे में डिस्कशन सब आगे आएगा। जैसे मेलेनिन पिगमेंट है, इसका मेरे को आता है इसलिए बता देता हूं, अपने स्किन के कलर से रिलेटेड होता है बच्चों। अरे तो फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे भाई, इनके फंक्शन में फिजियोलॉजी नहीं पढ़ा रहा ना, ठीक है। थायरोक्सिन हार्मोन इसका क्या फंक्शन है मैं नहीं जानता, ये तो फिजियोलॉजी में आएगा। अरे बच्चों मैं पढ़ा रहा हूँ टायरोसिन, थायरोक्सिन हार्मोन नहीं पढ़ा रहा हूँ। हाँ आती है क्यूरियोसिटी होती है बच्चों को, सर थायरोक्सिन हार्मोन क्या करेगा, वो तो मेरे को ही नहीं पता ना, मैं प्रोटीन पढ़ा रहा हूँ। हाँ हाँ सही बात। तो देखो सुनो ध्यान से, मेलेनिन पिगमेंट होता है एक, ऐसे एक हार्मोन है थायरोक्सिन, एक एड्रिनलिन हार्मोन है और नॉर एड्रिनलिन हार्मोन। इन सारे ही हार्मोन, सारे ही कंपाउंड के फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है बोलो कौन, टायरोसिन अमीनो एसिड, बस इतनी सी बात है। ऐसे एक एक दो दो पॉइंट याद रखना बच्चों, कुछ नहीं है और एक्स्ट्रा। टॉलीन, देखो बच्चों एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं अमीनो एसिड का, आपको ध्यान से ऑब्जर्व करना उसको। देखिएगा भाई, देखो
ये लो बच्चों, ये है प्रोलीन अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर। कुछ अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जिनकी स्ट्रक्चर में NH2 ग्रुप की जगह पर NH मिलता है। बोलो इसमें NH आ रहा कि नहीं आ रहा, ध्यान से देखो। प्रोलीन अमीनो एसिड जो है इसकी स्ट्रक्चर में NH2 ग्रुप की जगह पे क्या आ रहा है, NH इमीनो ग्रुप आ रहा है, इसीलिए प्रोलीन को एक और नाम दिया जा सकता है। बोलो क्या, इमीनो एसिड। ठीक है, अगला सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, थर्ड नंबर का पॉइंट आता रहता है एग्जाम में, इसको ध्यान से समझना होगा आपको। ठीक है, दो स्ट्रक्चर बना रहा हूं, है ना, ध्यान से देखिए। देखो भाई, एक स्ट्रक्चर तो बना दिया मैंने, ये और एक स्ट्रक्चर और बना देता हूं। देखो ये है बच्चों सिस्टीन अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर और ये है मिथियोनाइन अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर। इतना सा बोलो, सिस्टीन एंड मिथियोनाइन दोनों में वेरिएशन किस वजह से आ रहा है? किसी बच्चे ने बोला सेकंड पॉइंट समझ में नहीं आया, दोबारा सुन लो भाई, इसमें कुछ खास बात थी नहीं यार। इतना सा बोला मैं, ये जो प्रोलीन अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है, NH2 ग्रुप आता है हर एक अमीनो एसिड में, NH2 की जगह पे इसमें क्या आ गया, NH, NH को इमीनो बोलते हैं, तो इमीनो एसिड बोल दिया उसको। अब इन दोनों स्ट्रक्चर को देखो भाई, अरे उसमें रिंग बन गई ना प्रोलाइन में, ये R यहाँ पे आना चाहिए था ना, यहाँ C के साथ, यहाँ वो पूरा रिंग बन गया ना, इसमें R एक्स्ट्रा कुछ नहीं बोल सकते ऐसे। ठीक है, आप इसको बताओ, सल्फर वाले को बताओ, इसमें SH ग्रुप आ रहा है कि नहीं आ रहा है? SH ग्रुप को क्या बोलते हैं? बोलो, थायोल ग्रुप। अब इन दोनों स्ट्रक्चर को देख के जवाब देना बच्चों, कई सारे बच्चों का आंसर गलत आएगा। बताओ भाई, कौन कौन से अमीनो एसिड ऐसे हैं जिनकी स्ट्रक्चर में SH ग्रुप मिलता है, थायोल ग्रुप मिलता है? बताओ, वेरी गुड, सबका आंसर सही है। जिसने साथ में मिथियोनाइन भी बताया उसका आंसर गलत है। अरे SH ओनली सिस्टीन में मिलेगा। आपसे पूछा जाए सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन कौन से हैं? किसी बच्चे ने पूछा है सर कैसे पता चलेगा थायोल ग्रुप है क्या? ये लिख तो रहा है आपके सामने, थायोल ग्रुप नहीं है तो क्या है, पढ़ाया तो था पहले ही। तो सल्फर तो इसमें भी है, सल्फर तो इसमें भी है, आपसे सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड पूछा जाए बच्चों तो दोनों है, सिस्टीन एंड मिथियोनाइन। लेकिन SH ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड ओनली सिस्टीन ही होगा। अगला सुनो, एरोमेटिक अमीनो एसिड। देखो ये थ्री अमीनो एसिड याद रखने है, एज सच याद रखना है। टायरोसिन ट्रिप्टोफेन फिनाइल एलेनाइन, टायरोसिन ट्रिप्टोफेन फिनाइल एलेनाइन, इनको बोला जाता है एरोमेटिक अमीनो एसिड। क्यों बोला जाता है? देखो बच्चों, इस तरह की स्ट्रक्चर मिलेगी इनकी, देखो आप एक मिनट, देखो भाई यहां बना दे, यहां स्पेस है क्या, यहां बना देते, देखो
ये इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, बोलो इसमें बेंजीन रिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसको क्या बोलते हैं? बेंजीन बोलते हैं। और बेंजीन कैसा होता है बोलो? एरोमेटिक होता है भाई, बेंजीन होता है एरोमेटिक, ठीक है? हाँ, तो ये जो इनकी इसमें अरोमा, अरोमा का मतलब होता है स्मेल, फ्रेग्रेंस। तो ये जो अमीनो एसिड है, इन अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर में बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर मिलती है। और बेंजीन कैसा होता है? एरोमेटिक होता है। तो क्योंकि इन अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर में बेंजीन रिंग मिलती है, इसलिए इन थ्री अमीनो एसिड्स को बोला जाता है बच्चों क्या? एरोमेटिक अमीनो एसिड। हाँ, कुछ आपको स्ट्रक्चर दे रखे हैं पेज नंबर 145 पे, अपनी जो एनसीईआरटी है ना, उस एनसीईआरटी में पेज नंबर 145 पे दे रखे। हाँ, उसमें दे रखे। जैसे ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये टायरोसिन अमीनो एसिड का, बेंजीन में डबल बॉन्ड मिलता है, उस डबल बॉन्ड को मैंने रिंग की फॉर्म में बना दिया है। आपको बस इतना सा याद रखना है बच्चों, इन तीनों अमीनो एसिड के नाम याद रखने, इनको एरोमेटिक बोलते हैं, खत्म बात। कुछ भी ध्यान नहीं रखना, ब्रेन को यूज करना पड़ेगा, सब याद हो जाएगा, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? अगला देखो, दो अमीनो एसिड है, एक तो प्रोलीन है और एक हिस्टिडाइन है। देखो ध्यान से देखो, अभी मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बनाया था प्रोलीन का। अब इस प्रोलीन की स्ट्रक्चर को देखो और बताओ, बताओ इसकी स्ट्रक्चर में साइक्लिक स्ट्रक्चर है कि नहीं? बोलो, अरे बोलो, रिंग बन रही कि नहीं बन रही है? यदि रिंग में सारे के सारे कार्बन ही हो तो उसको बोलते हैं होमोसाइक्लिक रिंग। और यदि कार्बन के एक्स्ट्रा, देखो इसमें ध्यान से, इधर देखो सब, देखो भाई, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, लेकिन बीच में कौन आ रहा है? नाइट्रोजन। तो यदि साइक्लिक स्ट्रक्चर में कार्बन के एक्स्ट्रा कुछ भी आ रहा है बीच में, तो उसको बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक रिंग। कार्बन के अलावा कुछ भी आ जाए, कुछ भी हो, उसको हेट्रोसाइक्लिक रिंग बोलते हैं। तो इसमें बोलो, ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग है कि नहीं? तो दो अमीनो एसिड हैं, एक तो है प्रोलीन और एक है हिस्टिडाइन। इन दोनों अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर में हेट्रोसाइक्लिक रिंग मिलती है, इसलिए इन दोनों अमीनो एसिड को बोला जाता है हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड्स। If only carbon atoms are present in the ring, if only carbon atoms are present in the ring, homocyclic ring. If ring contain another atom rather than carbon, if ring contain another atom other than carbon, then heterocyclic ring. तो ये जो दो अमीनो एसिड है ना बच्चों, इनकी स्ट्रक्चर में हेट्रोसाइक्लिक रिंग मिलती है, इसलिए इन टू अमीनो एसिड्स को बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड। आगे बढ़ते हैं, ये टू अमीनो एसिड्स हैं, एक तो है सिराइन और एक है थ्रियोनाइन। इन दोनों अमीनो एसिड को अल्कोहलिक अमीनो एसिड्स बोला जाता है। सुन लीजिएगा, देखो स्ट्रक्चर बना के बताता हूं आपको इसकी। देखो भाई,
इन दोनों स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, देखो भाई और जवाब दो। ये है सेराइन अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर और ये है 309 अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर। अब बताओ, देखो बच्चों मैं तो बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि स्ट्रक्चर याद रखना है, लेकिन मैं स्ट्रक्चर के क्वेश्चन दे सकता हूं और आपको स्ट्रक्चर याद नहीं है तब भी क्वेश्चन सही कर सकते हो, ब्रेन यूज करना पड़ेगा बस। उसका एग्जांपल दूंगा मैं आपको अभी थोड़ी देर में, पहले इसको सुनो ठीक है। बताओ दोनों अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर में हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो। अरे यार अमीनो एसिड का क्या स्ट्रक्चर याद रखना, कुछ है ही नहीं, तीन चीजें चेंज होती नहीं है, फोर्थ चीज ही तो याद रखनी है, कितनी सी बात है। डॉक्टर बन रहे हो बच्चों, इससे अच्छी अच्छी चीजें पढ़ेंगे आप तो, यार ऐसी बात कर दिया, बहुत अच्छा कर सकते हो आप और कर रहे हो। अरे ऐसे मस्त रहा करो यार, ऐसे यूं मत सोचो, याद करना पड़ेगा क्या सर, इसको याद कर ले क्या, ऐसे बोलो ना। देखो दो तरीके हैं, एक तो अपने सोचे सर ये करना पड़ेगा क्या, एक सर ये तो याद कर सकते हैं हम सब, मजा आ जाएगा उसको याद कर ले क्या। अब दो बात है, आप क्या करोगे बताओ, अरे इसको लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएंगे, मेरे को कैसे हो गए, मैं तो बायोलॉजी का टीचर हूँ यार, आप तो केमिस्ट्री भी पढ़ते हो, जब मेरे को याद हो गया तो आपको कैसे नहीं हो सकता, आप मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट हो बच्चों, रियली बोल रहा हूँ, आप मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट, और आप तो फिजिक्स भी पढ़ते। एक बच्चा बोल रहा सर फिजिक्स भी पढ़ता हूँ, जैसे तो मेरे को पता ही नहीं है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है आगे बढ़ते हैं भाई। क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड, एक क्वेश्चन देता हूँ, चलो आप अभी समझ में आ जाएगी मैं क्या कहना चाह रहा था, ठीक है आंसर देना होगा आपको, है ना, मैंने स्ट्रक्चर नहीं बताया है तब भी आंसर आएगा, गारंटी है। देख तो अब देखते हैं, क्वेश्चन दे देता हूं आपको, लो आंसर सही आएगा गारंटी। अरे आंसर कैसे नहीं आएगा मेरे बच्चों का भाई, पढ़ा कौन रहा है, अबे आप तारीफ नहीं करोगे तो मैं तो कर लूंगा ना, मैं तारीफ यार ऐसे क्या करते हो। हाँ पी एन शर्मा पढ़ा रहा आपको, समझ में आएगा इसे कैसे नहीं आएगा, ये स्ट्रक्चर बच्चों है ना। अब आपको बताना है ये किसका स्ट्रक्चर है, ठीक है बताओगे, बस हमें बच्चों आपको यदि पीछे से देखा इसको देखेगा नहीं कोई भी, आंसर देना पड़ेगा डायरेक्ट, ठीक है ना, कोई देखेगा नहीं इधर उधर, आंसर आ जाएगा आपका, है ना। ऑप्शन दे रहा हूं मैं आप, मिथियोनाइन थर्ड ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, प्रोलाइन, और फोर्थ ऑप्शन है इसका ग्लूटामिक एसिड। अब बताओ आंसर क्या आएगा बच्चों, आया कि नहीं आया आंसर, चार, अब चार आंसर आएगा ना, 100% सही आंसर है चार, क्योंकि आप जानते हो बच्चों 309 होता तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलता, ये जानते हो आप, मिथियोनाइन में सल्फर मिलता, सल्फर है ही नहीं इसकी स्ट्रक्चर में, प्रोलाइन में रिंग मिलती है ही नहीं, आंसर फोर, खत्म बात, आगे आएगा ये तो यहां पढ़ाऊंगा मैं, ये रहा देखो यहां आएगा, देखो ये रहा, ये रहा ग्लूटामिक एसिड, ये रहा यहां पढ़ाऊंगा इसको, तो मैं यही कह रहा था स्ट्रक्चर याद नहीं करोगे तो भी आंसर आ सकता है, बस आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप सुनिए भाई, क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड, देखो बच्चों अमीनो एसिड को क्लासिफाई करने के कई सारे बेस हैं, लेकिन यहां पर जो मैं अमीनो एसिड को क्लासिफाई कर रहा हूं, इस अमीनो एसिड को क्लासिफाई करने का जो बेस है, एक वो है कोई भी अमीनो एसिड है उस अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप कितने होंगे, नंबर ऑफ NH2 ग्रुप कितने होंगे, इसके बेसिस पर थ्री टाइप्स के अमीनो एसिड, कौन कौन सा देखो, एसिडिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड, न्यूट्रल अमीनो एसिड। यहां से कई बार क्वेश्चन आया है बच्चों एग्जाम, और फिर आएगा इस बार, कह रहा हूं मैं, गारंटी है,
इस बार भी क्वेश्चन आएगा, नेक्स्ट ईयर जब आप दोगे तब भी आएगा क्वेश्चन, इसको ध्यान से पढ़ना है, बहुत ज्यादा ध्यान से, कंफर्म आएगा क्वेश्चन, लिख दो यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं एसिडिक अमीनो एसिड, जो एसिडिक अमीनो एसिड होगा उस एसिडिक अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप होंगे 2, नंबर ऑफ एनएच2 ग्रुप होगा 1। बताओ एसिडिक अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ एसिडिक ग्रुप कितने होंगे? सही है। और बेसिक ग्रुप कितना है? 1 है। तो नेट प्रॉपर्टी क्या आई? एसिडिक, इसलिए इसको एसिडिक अमीनो एसिड बोला। अब बच्चों यदि इसका हम आयनिक फॉर्म लें तो देखो NH2 तो NH3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, COOH CO- में कन्वर्ट हो गया, और ये COOH CO- में कन्वर्ट हो गया। बताओ बच्चों नेट चार्ज क्या है? एसिडिक अमीनो एसिड पर नेट चार्ज क्या है? नेगेटिव है भाई। बताओ एनोड कैथोड में से किधर की तरफ जाएगा एसिडिक अमीनो एसिड? एनोड की तरफ जाएगा, क्योंकि खुद पे नेगेटिव चार्ज है, और एनोड पे कौन सा चार्ज होता है बच्चों? एनोड पे होता है पॉजिटिव चार्ज, बिल्कुल ठीक है। अब इसके एग्जांपल आपके सामने है, देखो ध्यान से, ये रहा भाई ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, कोई भी अमीनो एसिड हो उस अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में एक तो NH2 ग्रुप मिल जाए और नंबर ऑफ COOH ग्रुप मिल जाए 2, तो उसको बोला जाएगा, बोलो क्या? एसिडिक अमीनो एसिड। अब इस पर चार्ज देखें तो NH2 कन्वर्ट हो गया NH3 पॉजिटिव में, COOH कन्वर्ट होगा CO- में, COOH कन्वर्ट होगा CO-, नेट चार्ज क्या आया बोलो? नेगेटिव आया ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में किधर जाएगा बच्चों? ये एनोड की तरफ, सही है। इसके एग्जाम्पल दो हैं, एक तो एस्पार्टिक एसिड और एक ग्लूटामिक एसिड है। अब देखो कोई बच्चा पूछ रहा है व्हाट इज एस्पार्टिक एसिड, पूरी रामायण खत्म हो गई लेकिन ये पता नहीं चला सीता किसका बाप था। अरे सीता बाप नहीं, मां थी, पूजनीय, समझ में आया? ध्यान से सुना करो ना यार। अभी मैं सामने लिखा हुआ है एस्पार्टिक एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड है, ठीक है। अब बताओ बच्चों ग्लूटामिक एसिड एसिडिक अमीनो एसिड है, पता कैसे चलेगा आपको बताओ? अरे ये पता लग रहा ना यार, नंबर ऑफ COOH ग्रुप 2 है ना, और नंबर ऑफ NH2 ग्रुप 1 है कि नहीं, बोलो बोलो, एसिडिक हुआ कि नहीं हुआ? अब बताओ बच्चों ग्लूटामिक एसिड की स्ट्रक्चर में, ग्लूटामिक एसिड की स्ट्रक्चर में साइड ग्रुप क्या है बताओ? अच्छा साइड ग्रुप COOH होगा, क्या करते हो यार, क्यों दिमाग का दही कर रहे हो मेरा, कितनी बार समझा दिया? अरे भाई ये पार्ट तीनों चेंज नहीं होते, ये और ये, तो साइड ग्रुप ये हुआ ना यार, ऐसे ही एस्पार्टिक एसिड की स्ट्रक्चर में जो साइड ग्रुप होगा ना वो होगा क्या? ये मतलब ये हुआ इस CH2 में से एक CH2 को कम कर दो तो ये क्या हो जाएगा बोलो? एस्पार्टिक एसिड हो जाएगा, ये एस्पार्टिक एसिड में CH2COOH, ग्लूटामिक एसिड की स्ट्रक्चर में CH2CH2COOH, तो R का वैल्यू एस्पार्टिक एसिड में क्या होगा? CH2COOH। अब इधर देखो इसका जस्ट अपोजिट अल्केलाइन अमीनो एसिड, या इसको बोल सकते हैं बेसिक अमीनो एसिड, उल्टा कर दो, नंबर ऑफ NH2 ग्रुप 2, नंबर ऑफ COOH ग्रुप 1, इसका आयनिक फॉर्म होगा तो वो इस तरह का हो जाएगा। बताओ इन पर नेट चार्ज, नेट चार्ज क्या आएगा इसमें? पॉजिटिव, एनोड की तरफ जाएगा कि कैथोड की तरफ?
कैथोड, बिल्कुल सही। देखो ये तीन अमीनो एसिड है, हिस्टिडाइन, आर्जिनाइन, लाइसाइन, ऐसे लिख लेना बच्चों इनको, हिस्टिडाइन, आर्जिनाइन, लाइसाइन, ऐसे नहीं लिखो यार, ऐसे लिखो देखो, हिस्टिडाइन, आर्जिनाइन, लाइसाइन, कैसे होंगे, अल्केलाइन, और ये वर्ड आ गया हलाल, इस वर्ड को याद रख लेना। हिस्टिडाइन, आर्जिनाइन, लाइसाइन, कैसे टाइप के अमीनो एसिड है बच्चों, अल्केलाइन। इससे क्वेश्चन कब कब आया सुन लो, ऑल इंडिया पीएमटी 2012, 2013, 2017, तीन चार बार क्वेश्चन आ गया। ऑल इंडिया पीएमटी 2012 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो सुनो, क्या क्वेश्चन था वो, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था ये क्वेश्चन था, उसमें बोला गया था चार पांच स्ट्रक्चर बना के दे दिए गए थे, फिर क्वेश्चन पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक अमीनो एसिड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक अमीनो एसिड, अब ध्यान से जवाब दो बच्चों, बोलो कैसे आइडेंटिफाई करोगे बेसिक अमीनो एसिड है या नहीं, बोलो। नंबर ऑफ एनएच टू ग्रुप कितने हैं, बोलो टू, देखो ध्यान से ये रहे, और नंबर ऑफ सीडोलोज ग्रुप वन, बोलो बेसिक अमीनो एसिड हुआ कि नहीं हुआ, और ये स्ट्रक्चर है बच्चों किसका, लाइसाइन अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है, आइडेंटिफाई कर लोगे, आगे बढ़ते हैं। द अमीनो एसिड विच कंटेन मोनो अमीनो, मतलब ओनली वन अमाइनो ग्रुप, ओनली वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यदि किसी अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में एक तो मिले अमीनो ग्रुप और एक मिलेगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो उसको बोला जाएगा बच्चों क्या, न्यूट्रल अमीनो एसिड। एंड सबसे ज्यादा एग्जांपल इसी के हैं, ये कैसे पहचानेंगे, आपके सामने ये बच्चों, मैं बताऊं आपको सही सही बात, आपको मैं कहूंगा जो शायद बुरा लगेगा, लेकिन रियली बहुत कम बच्चे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिनका कंसंट्रेशन 100% पढ़ाई पे है, कभी कोई कुछ कर रहा होगा, कभी कोई कुछ कर रहा होगा, एक एक वर्ड को बोलता जा रहा हूं, फिर भी एक आध बच्चे ने अभी पूछा सर इसको दोबारा बता दो, क्यों क्यों बता दे भाई इसको दोबारा, मैंने तीन बार तो पहले ही बता दिया, वो ऐसे नहीं होता है बच्चों, अभी तो मैं फिर भी बता दूंगा, लेकिन ट्वेल्थ में इलेवेंथ और ट्वेल्थ दोनों पढ़ने होते हैं आप लोगों, वहां ऐसे बार बार रिपीट पॉसिबल नहीं है, मैं तो करता हूं और करता ही रहूंगा, लेकिन इसको हैबिट में मत लाओ, प्रॉब्लम रहेगा। देखो यहां पे अल्केलाइन अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर में दो एन एच टू है कि नहीं, बोलो, और बोलो एक सीडोलोज ग्रुप है कि नहीं, बोलो पता लगा सकते हैं कि नहीं ये अल्केलाइन अमीनो एसिड है या नहीं, क्लियर पता चल रहा है यार, आगे बढ़ो। न्यूट्रल अमीनो एसिड, इनकी स्ट्रक्चर में एक तो मिलेगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक मिलेगा एन एच टू। अब मेरे को ये बताओ एग्जाम्पल इसके सबसे ज्यादा है 15 अमीनो एसिड, ये क्यों लिखा, बोलो। अरे क्योंकि टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड जो प्रोटीन बनाने में यूज होते कितने, 20 है ना, तो 20 में से 15 तो हो गए न्यूट्रल, 20 में से 15 हो गए न्यूट्रल, 2 हो गए एसिडिक, एसिडिक को याद रखना ही नहीं है, क्यों एसिडिक को क्यों याद नहीं रखना, अरे नाम से पता चल रहा है एस्पार्टिक एसिड, अरे एसिड है तो बेस क्यों होगा, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, अरे तो एसिड है ना तो बेस टाइप होगा भाई, और 3 हो गए अल्केलाइन, हिस्टिडाइन, आर्जिनाइन, लाइसाइन, हलाल, 3 हो गए बेसिक, रिमेनिंग 15 कैसे हो गए, न्यूट्रल, खत्म, बस इतनी सी बात थी। अब आगे बढ़ते हैं, कॉन्फिगरेशन ऑफ प्रोटीन,
अब सबसे पहले ये समझ लो, अब यहां पे कोई भी मत बोलना, रिपीट कर दो एक ही बार में, सुनना है ध्यान से सबको, बार बार रिपीटेशन पॉसिबल नहीं है बच्चे। सुनो भाई, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। जैसे अभी मैं जिस रूम में बैठा हूं ये मेरा कॉन्फ़िगरेशन है। कॉन्फ़िगरेशन ऑलवेज किसी के रेस्पेक्ट में लेते हैं। जैसे आप कोटा में हो या अपनी किसी सिटी में हो, तो आपकी सिटी का किसी अदर सिटी के साथ जो रेफरेंस पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग जो अरेंजमेंट होता है उसको कॉन्फ़िगरेशन बोला है। अब यहां पे प्रोटीन के कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब है, प्रोटीन के कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है प्रोटीन जिन एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ है, प्रोटीन जिन एटम से मिलकर के बना हुआ है, उनका एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जो अरेंजमेंट होगा उसको प्रोटीन का कॉन्फ़िगरेशन बोल देंगे। प्रोटीन का कॉन्फ़िगरेशन फोर टाइप का होता है। प्राइमरी, पहला तो प्राइमरी होगा, कोई नई बात नहीं है। सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी। सबसे पहले हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन। सुनो, प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक डायग्राम बता रहा हूं। बच्चों, ट्वेल्थ में आप एक टॉपिक पढ़ेंगे ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब होता है आरएनए से प्रोटीन फॉर्मेशन। इसको बोला जाता है ट्रांसलेशन। चलो आपको एक नई चीज बताई देता हूं, उसको नोट भी कर लेना, ठीक है, काम आ जाएगा आगे सेल बायोलॉजी में भी काम आ जाएगा। देखो भाई, डीएनए से आरएनए बनना और आरएनए से प्रोटीन बनना, डीएनए से आरएनए बनना, इसको बोलते हैं बच्चों ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन और इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। और डीएनए से डीएनए बनना, इसको बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए से डीएनए बनने को क्या बोलोगे, बोलो, डीएनए से डीएनए बनने को डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए और डीएनए से आरएनए बनने को ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बनने को बोला जाता है ट्रांसलेशन। ठीक है, ठीक है। अब सुनो, ये आप ट्वेल्थ में पढ़ेंगे डिटेल में, है ना। तो देखो, बताओ बच्चों, किसी को पता है क्या प्रोटीन का फैक्ट्री किसको बोलते हैं? राइबोसोम को बोलते हैं। सेल बायोलॉजी में आएगा फिर से, पता नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो जब आप प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ोगे ट्वेल्थ में, तो जैसे मैंने बना दिया आपको, ये कुछ है, हमें कुछ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं डिटेल में बता ही नहीं सकता अभी आप, एक्चुअली आरएनए है, ठीक है, इसके साथ ये राइबोसोम जुड़ा हुआ है, ये राइबोसोम जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। आपको इनमें से कुछ किसी भी चीज पर ध्यान नहीं देना है, ये प्रोटीन की फैक्ट्री है राइबोसोम, बस इतना सा देख लो कि कुछ है, कुछ है, बस इतना ही देखना है। अब बताओ बच्चों, प्रोटीन का यूनिट क्या होता है? अमीनो एसिड। एक बार बताओ प्रोटीन का फैक्ट्री कौन है, फिर से बोलो, प्रोटीन का फैक्ट्री कौन है? राइबोसोम। अब बताओ, फैक्ट्री में कोई भी प्रोडक्ट बनाना है तो प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए कि नहीं चाहिए? बहुत ध्यान से सुनना, रिपीट नहीं करूंगा इस बार, फिर से सुन लो, प्रोटीन का फैक्ट्री कौन? राइबोसोम, बिल्कुल करेक्ट। अब बताओ, प्रोटीन बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या चाहिए? बोलो भाई, अमीनो एसिड चाहिए। तो यहां पे प्रोटीन बनाने के लिए जो अमीनो एसिड चाहिए वो कहां चाहिए? राइबोसोम पे चाहिए ना,
अरे फैक्ट्री राइबोसोम है ना, तो राइबोसोम पे प्रोटीन बनाना, तो रॉ मटेरियल चाहिए अमीनो एसिड, तो कहाँ चाहिए? राइबोसोम पे चाहिए। तो बच्चों राइबोसोम पे अमीनो एसिड आते चले जाते हैं और आपस में अटैच होते चले जाते, ठीक है, ये अटैच होते चले गए, तो अमीनो एसिड का एक लीनियर स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। कैसे, ये देखो, किसी ने क्वेश्चन पूछा कैसे बन गए, मैं पहले ही बोल चुका हूं ट्रांसलेशन में पढ़ोगे, ये कैसे बता दूं ये मैं अभी से, बस आ गए अमीनो एसिड आपस में अटैच हो गए, कैसे, ये पूरा प्रोसेस है एक लेक्चर का, 12th वहां पढ़े, ठीक है। अब सुनिएगा ध्यान से आप, ये अमीनो एसिड आते चले गए और ये अमीनो एसिड आपस में अटैच होते चले गए विद द हेल्प ऑफ विच बॉन्ड? अरे बोलो, पेप्टाइड बॉन्ड, ऑब्वियसली पेप्टाइड बॉन्ड ही होगा, ठीक है। बताओ ये कौन सा अमीनो एसिड, फर्स्ट है कि नहीं? फर्स्ट के बाद ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, इस तरह से आते चले जाएंगे और अमीनो एसिड आपस में अटैच होते चले जाएंगे। तो यहां पे अमीनो एसिड का पोजिशनल इंफॉर्मेशन है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन। ये जो लीनियर स्ट्रक्चर है अमीनो एसिड्स का, इसी को बोला जाता है प्राइमरी कॉन्फिगरेशन। अब ये फर्स्ट टाइम बना, अरे अभी अभी बर्थ हुआ इस प्रोटीन का, तो एक बार बताओ किसी भी बच्चे का बर्थ होते ही वो स्टेबल हो जाता है क्या? नहीं ना। तो याद रखिए प्रोटीन का प्राइमरी कॉन्फिगरेशन हाईली अनस्टेबल होता है, क्योंकि अभी तो बना, अरे फर्स्ट बनने वाला जो कॉन्फिगरेशन होगा प्रोटीन का कौन सा होगा? अरे फर्स्ट तो प्राइमरी होगा यार, फर्स्ट सेकेंडरी थोड़ी होता है भाई। पहला जो प्रोटीन का कॉन्फिगरेशन बना, अरे वो तो प्राइमरी ही होगा ना। तो पहली बार कोई प्रोटीन बन रहा है तो बताइए वो हाईली स्टेबल होगा कि हाईली अनस्टेबल? हाईली अनस्टेबल होगा। तो बच्चों बताओ प्राइमरी के बाद जो सेकेंडरी आएगा वो प्राइमरी के कंपेटिवली मोर स्टेबल होगा कि लेस स्टेबल? फिर से सुनो, प्राइमरी फर्स्ट टाइम बना, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी बनेगा, अरे तो प्राइमरी के कंपैरेटिवली सेकेंडरी तो ज्यादा स्टेबल होगा ना, और सेकेंडरी के कंपैरेटिवली टर्शरी मोर स्टेबल। तो बताओ मोस्ट स्टेबल कौन सा हो जाएगा? क्वार्टरनरी, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। वही एक्सप्लेन करूंगा मैं आगे, आप देखिए बच्चों ध्यान से, द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड की, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड मतलब पोजिशनल इंफॉर्मेशन कि फर्स्ट पोजीशन पर कौन सा अमीनो एसिड है, सेकंड पर कौन सा है, ये सब ये बताता है बोलो क्या प्रोटीन का प्राइमरी कॉन्फिगरेशन। ओनली कौन से बॉन्ड मिलेंगे बोलो? पेप्टाइड बॉन्ड मिलेंगे, इसमें लिख दो हाईली अनस्टेबल, लिख दो एक्स्ट्रा, ये हाईली अनस्टेबल होगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं, अब ये तो देखो प्रोटीन का प्राइमरी कॉन्फिगरेशन था, ठीक है, ध्यान से देखना प्रोटीन का प्राइमरी कॉन्फिगरेशन मैंने इस तरह से बना दिया, देखो एक बार ध्यान से सुन लो, एक लीनियर स्ट्रक्चर है ऐसा, लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड्स इन विच ओनली पेप्टाइड बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इज प्राइमरी कॉन्फिगरेशन। अब बच्चों ध्यान से जवाब देना, ये जो प्रोटीन का प्राइमरी कॉन्फिगरेशन, इसको मैं वन डिग्री भी बोल सकता हूं, एक ही बात है, ठीक है। अब इस प्रोटीन के प्राइमरी कॉन्फिगरेशन में क्या किया जाए जिससे प्रोटीन का प्राइमरी कॉन्फिगरेशन इस टाइप की स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाए? एक मेरे पास लीनियर वायर है आयरन का, लोहे का, उसको ऐसे ऐसे करना है, क्या करो? अरे कॉइल बना दो, बोलो ऐसा स्ट्रक्चर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? मेरे पास लीनियर स्ट्रक्चर था, उसकी कॉइलिंग करवा दी, वही होता है प्रोटीन का कौन सा कॉन्फिगरेशन बच्चों? सेकेंडरी कॉन्फिगरेशन। कहने का मतलब ये हुआ प्रोटीन का जो सेकेंडरी कॉन्फिगरेशन होता है बच्चों वो कैसा होता है बोलो? स्पाइरली कॉइल्ड। अब एक बात और याद करो बच्चों, जब मैंने आपको पॉलीसेकेराइड पढ़ाया था
तब मैंने बोला था कि स्टार्च एंड ग्लाइकोजन दोनों का स्ट्रक्चर भी हेलिकली कॉइल्ड होता है। अरे बोलो, बोला था कि नहीं बोला था? बोला था, बोला था। इसीलिए आपकी एनसीईआरटी पेज नंबर 148 पॉलीसेक्राइड वाले पैराग्राफ का लास्ट फोर्थ लाइन यही है। यही लिखा हुआ मिलेगा, देखो वहां लिखा हुआ मिलेगा, स्टार्च फॉर्म्स हेलिकली सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब वहां पे मैं बता नहीं सकता था बच्चों आपको कि सेकेंडरी क्यों लिखा हुआ है, आप पूछते तो भी नहीं बता सकता था। रीजन वो मैं प्रोटीन में बता सकता था, तो आज बताया ना। यही कहता हूं मैं आपसे कि जितना बता रहा हूं उसको एक परफेक्ट वे में एक्सप्लेनेशन आ जाना चाहिए आपके पास। मैं कोई चीज को नहीं बता रहा, इसका मतलब आगे एक्सप्लेनेशन है उसका। ऐसे ही इसमें देखो बच्चों, पॉलीसेक्राइड वाले पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन भी आपको समझ में नहीं आएगी। द एसिड इनसॉल्युबल पैलेट ऑल्सो हैज पॉलीसेक्राइड, ये भी नहीं आएगी समझ में अभी, आप बताऊंगा ही नहीं बता सकता ना। ये तो आपको बायोमोलिक्यूल के लास्ट में ही समझ में आएगी लाइन, अपने आप जवाब देंगे फिर। तो एक काम करना बच्चों, इस पॉलीसेक्राइड वाले पैराग्राफ को टिक कर लो, अब आप पढ़ सकते हो घर पर एनसीईआरटी से, टिक करो। पेज नंबर 148 पॉलीसेक्राइड वाला पैराग्राफ कंप्लीट पढ़ सकते हो आप अभी। इसी तरह से पेज नंबर 143 निकालो, पेज नंबर 143 लास्ट पैराग्राफ भी पढ़ सकते हो, पेज नंबर 144 पूरा पढ़ सकते हो, लास्ट पैराग्राफ छोड़ना होगा। पेज नंबर 144 पूरा पढ़ सकते हो, लास्ट पैराग्राफ नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लिक एसिड गायब हो। इसके बाद अब आप मत पढ़ो, इधर सुनो, आप आगे बढ़ते हैं। एक बार सुनो, देखो भाई प्रोटीन का जो प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन था लीनियर स्ट्रक्चर था, उसमें क्या किया जब वो सेकेंडरी में कन्वर्ट हुआ, कॉइल, तो ये बन गया स्पाइरली कॉइल्ड स्ट्रक्चर। अब ये जो प्रोटीन का प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन था उसमें तो ओनली बच्चों पेप्टाइड बॉन्ड ही थे, लेकिन याद रखना ये जो प्रोटीन का सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन है इसमें एक चीज याद रखनी पड़ेगी इसमें बच्चों, बता दो एक मिनट को। ये जो प्रोटीन का सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, दिखने में कैसा होता है, अपीयरेंस कैसा होता है, ध्यान रखना आप, बहुत जगह काम आएगा। फाइब्रस दिखने में कैसा होगा, थ्रेड लैक होगा, प्रोटीन का सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन थ्रेड लैक, बिल्कुल ठीक है। ये जो प्रोटीन का सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन है, इस प्रोटीन के सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन में और क्या क्या होता है सुन लो। इसमें एक तो मिलेगा पेप्टाइड बॉन्ड और एक मिलेगा बच्चों एक्स्ट्रा इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड। शायद आपको इतना तो क्लियर हो चुका होगा कि प्राइमरी के कंपैरेटिवली सेकेंडरी मोर स्टेबल क्यों है, इसको आप थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ, दिखाई नहीं दे रहा होगा आप लोगों को ढंग से, एक मिनट को। अपीयरेंस ये हो गई फाइब्रस और इसमें बॉन्ड कौन कौन से मिलेंगे, एक तो मिलेगा पेप्टाइड बॉन्ड और एक मिलेगा हाइड्रोजन बॉन्ड। अरे पेप्टाइड बॉन्ड तो मिलेगा ही सही यार, पेप्टाइड बॉन्ड नहीं होगा तो प्रोटीन कहां से आएगा फिर? इस बात को ऐसे याद रख लेना, प्रोटीन जहां जहां पेप्टाइड बॉन्ड वहां वहां प्रोटीन होगा तो पेप्टाइड बॉन्ड होगा ही होगा। एक्स्ट्रा बॉन्ड आया कौन सा, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बताओ प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन के कंपैरेटिवली सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल होगा कि नहीं होगा, क्यों? अरे यार एक्स्ट्रा बॉन्ड आ रहा भाई, हाइड्रोजन बॉन्ड। और याद रखिए बच्चों, एक बच्चे ने पूछा है पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, गजब ही हो गया मतलब यार,
गजब शाबाश बहुत बढ़िया। अरे पेप्टाइड बॉन्ड प्रोटीन अमीनो एसिड के बीच में बॉन्ड स्टेबल, मतलब स्टेबल का मतलब ऐसे समझो एक पर्सन ऐसा है जो डॉक्टर बन गया, पूरी फैमिली है उसकी, मंथ में इनकम उसकी टोटल 5 लाख है, वो स्टेबल है। एक पर्सन ऐसा है जिसको डेली 500 रुपीज कमाने पड़ रहे हैं, कल का पता नहीं है, वो अनस्टेबल हो। ऐसे यहां पे इस यूनिवर्स में किसी भी मॉलिक्यूल के एग्जिस्ट करने की, हाँ बिल्कुल, उसके रहने की प्रोबेबिलिटी, एक पर्सन है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो किसी भी, कोई भी है, कोई भी मॉलिक्यूल है, उसके एग्जिस्टेंस की, कि वो कितना स्टेबल रह सकता है इस एनवायरमेंट, वो ठीक है। देखो बच्चों हाइड्रोजन बॉन्ड भी दो टाइप के होते हैं, पढ़ेंगे आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रा मोलिक्यूलर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बॉन्ड टू टाइप के होते हैं, एक तो इंट्रा और एक इंटर। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर प्रोटीन, एक ही प्रोटीन मॉलिक्यूल है उसके अंदर अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए तो इंट्रा, टू और मोर देन टू मॉलिक्यूल के बीच में प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल है उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो उसको बोला जाएगा इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। विद इन द मॉलिक्यूल, बोलो, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, एक ही मॉलिक्यूल है उसके अंदर इंट्रा, टू और मोर देन टू मॉलिक्यूल के बीच में इंटर, ठीक बात। इसी के बेसिस पे ये जो प्रोटीन का सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये भी टू टाइप्स का होता है, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा हेलिक्स, बीटा प्लीटेड सीट कॉन्फ़िगरेशन भी बोल देते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले अल्फा हेलिक्स, अल्फा हेलिक्स जो कॉन्फ़िगरेशन है, देखो ये अल्फा हेलिक्स है, पूरा एक ही मॉलिक्यूल है कंप्लीट, बोलो एक ही मॉलिक्यूल है कि नहीं। सबसे पहले इतना सा बता दो ये प्रोटीन का यहां से लेके यहां तक एक ही मॉलिक्यूल है कि नहीं, बोलो यहां से लेकर के यहां तक प्रोटीन का एक ही मॉलिक्यूल है तो बताओ इसके अंदर ही अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो कैसी होगी, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक ही मॉलिक्यूल के, एक ही चेन के अमीनो एसिड्स के बीच में बॉन्डिंग हो रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो बोलो इंटर या इंट्रा, इंट्रा। अब ये एक कॉइल है बच्चों, इसकी यहां से लेके यहां तक ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये पॉइंट लर्न करने वाला, एक कॉइल है बच्चों, यहां से लेके यहां तक एक कॉइल है, एक कॉइल के अंदर नंबर ऑफ अमीनो एसिड 3.5 होते हैं बच्चों, ये ध्यान रखना पड़ेगा, इसका कोई तरीका नहीं होगा, पर बहुत छोटी बात है यार, इसको लर्न नहीं कर सकते, एक ही चीज लर्न करने के लिए बोल रहा हूं। आपसे पूछा जाए प्रोटीन का जो अल्फा हेलिक्स कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें एक कॉइल में नंबर ऑफ अमीनो एसिड कितना होगा, 3.5, खत्म बात। एक बार फिर से सुन लो, प्रोटीन का जो सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन होता है टू टाइप्स का होता है, कौन कौन सा बताया बोलो, एक तो अल्फा हेलिक्स बताया और एक बीटा हेलिक्स। सबसे पहले मैं अल्फा हेलिक्स बता रहा हूं, अल्फा हेलिक्स का डायग्राम है आपके सामने, ऐसा स्ट्रक्चर याद रखना आप, ठीक है, एक ही मॉलिक्यूल है पूरा पूरा, इस एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो पहली बात तो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कोई नई बात नहीं। एक कॉइल के अंदर नंबर ऑफ अमीनो एसिड 3.5 होते हैं, ध्यान रखना ही। दूसरी बात, कोई भी प्रोटीन मॉलिक्यूल हो बच्चों उसमें प्रोटीन की कॉइलिंग का डायरेक्शन ऑलवेज राइट हैंडेड होगा, क्लॉकवाइज
राइट हैंडेड और क्लॉकवाइज का मतलब समझे? देखो समझो, कई बार आपने कुछ ऐसी सीढ़ियां देखी होंगी जिनमें हम ऐसे ऐसे चढ़ते जाते हैं। जैसे याद करो, जिस पानी की टंकी से, जिस वाटर टैंक से अपने घरों में वाटर सप्लाई होता है, उसकी सीढ़ियां रिवॉल्विंग लैडर लाइक होती है बच्चों, इसी तरह जैसा ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। बताओ बच्चों, उसमें हम घूमते घूमते चढ़ते हैं कि नहीं? तो ये भी पॉसिबल है उसमें हम राइट हैंडेड वे में चढ़ रहे हो, मतलब क्लॉकवाइज वे में चढ़ रहे हो, और ये भी तो पॉसिबल है एंटी क्लॉकवाइज वे में चढ़ रहे हो। तो याद रखना, आज तक जितनी भी प्रोटीन को स्टडी किया गया है, सब में कॉइलिंग का डायरेक्शन क्लॉकवाइज ही मिला। इसीलिए एनसीईआरटी में एक लाइन लिख के दिया गया है, ओनली राइट हैंडेड हेलिसेज आर ऑब्जर्व्ड इन प्रोटीन्स। ओनली राइट हैंडेड हेलिसेज आर ऑब्जर्व्ड इन प्रोटीन्स, मतलब प्रोटीन में ओनली राइट हैंडेड कॉइल्ड चैन ही मिलती है। इतनी सी बात, बहुत छोटी बात लेकिन बहुत मोटी बात। याद रखना, कोई भी प्रोटीन हो उसमें ऑलवेज प्रोटीन राइट हैंडेड कॉइल्ड चैन की फॉर्म में ही मिलेगा। ये अल्फा हेलिक्स का डिस्कशन था, ठीक है। अल्फा हेलिक्स देखो, ये लिख रहा राइट हैंडेड रोटेशन, 3.5 अमीनो एसिड, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इसके एग्जांपल है केराटिन, मायोसिन एंड ट्रोपोमायोसिन। कहने का मतलब ये हुआ, केराटिन प्रोटीन है, मायोसिन प्रोटीन है, ट्रोपोमायोसिन है, इन सब का स्ट्रक्चर कैसा होगा? अल्फा हेलिक्स होगा, ठीक है। केराटिन प्रोटीन के बारे में थोड़ा सा, केराटिन फाइबरस प्रोटीन है, वही नई बात नहीं है। अरे केराटिन सेकेंडरी प्रोटीन का एग्जांपल है ना, तो फाइबरस तो होगा ही, सही, बिल्कुल सही है। अरे यार, मैंने अभी बताया ना, सेकेंडरी प्रोटीन होगा तो फाइबरस तो होना ही होना है। रेजिस्टेंट टू डाइजेशन, इसका डाइजेशन नहीं होता केराटिन प्रोटीन का। जैसे अपने जो नेल्स होते हैं ना बच्चों, इनमें भी केराटिन प्रोटीन मिलता, अपने जो बाल होते हैं इनमें भी केराटिन प्रोटीन मिलता, हाँ, इसका डाइजेशन नहीं होता। तो ये प्रोटीन जो होती है हार्ड होती है, इसीलिए इसको स्क्लेरो प्रोटीन बोला जाता है। हार्ड किस वजह से? क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर में सिस्टीन अमीनो एसिड ज्यादा मिलता। केराटिन प्रोटीन इज हार्ड एंड डेड ड्यू टू एबंडेंसी ऑफ सिस्टीन अमीनो एसिड। सिस्टीन अमीनो एसिड के बारे में क्या बताया था मैंने, बताओ? अरे सिस्टीन अमीनो एसिड के बारे में क्या बताया था मैंने? सल्फर कंटेनिंग बताया था, SH ग्रुप कंटेनिंग। याद रखना बच्चों, कोई भी बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर हो, जितना ज्यादा सल्फर मिलेगा वो स्ट्रक्चर उतना ज्यादा हार्ड हो, तो क्योंकि केराटिन प्रोटीन में सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड ज्यादा मिल रहा है, तो इसकी हार्डनेस ज्यादा होती है, ठीक है। अगला है बीटा प्लीटेड सीक्वेंस, इसका स्ट्रक्चर बच्चों जिगजैग होता है, हाँ जिगजैग स्ट्रक्चर होता है, टू और मोर देन टू पॉलीपेप्टाइड चैन। जैसे एक पॉलीपेप्टाइड चैन ये रहा और एक पॉलीपेप्टाइड चैन ये रहा, इनके बीच में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, तो ये जो बनने वाला प्रोटीन का मॉलिक्यूल है यही है, बोलो क्या? बीटा हेलिक्स। इसका एग्जांपल है सिल्क। बताओ बच्चों, आर्टिफिशियल सिल्क कहां पढ़ाया था? आर्टिफिशियल सिल्क कहां पढ़ाया था? अरे सेलुलोज से बनता है रेयॉन, और ये नेचुरल सिल्क है। सिल्क के साथ मैंने नेचुरल नहीं लगाया तो नेचुरल ही मानना होगा। सिल्क के साथ नेचुरल नहीं लगाया तो भी नेचुरल मानना। जब तक आर्टिफिशियल उसके साथ नहीं लगाएंगे तब तक आर्टिफिशियल नहीं मानना, ठीक है। ऐसे ही देखो इधर आगे, ये इसका स्ट्रक्चर बना के दे रखा, एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, दोनों के बीच में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, ये देखो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन।
टू और मोर देन टू पॉलीपेप्टाइड चेन जिनका खुद का कॉन्फिगरेशन सेकेंडरी था, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू आपस में अटैच हो गए, बन गया बीटा हेलिक्स, बस इतनी सी बात है। अब अगला जो प्रोटीन का कॉन्फिगरेशन है बच्चों वो है टर्शरी कॉन्फिगरेशन, और ये टर्शरी कॉन्फिगरेशन अब नेक्स्ट टर्म पर पढ़ाया जाएगा। आज के लिए इतना ही बहुत है, ठीक है। घर पे लिख लिख के पढ़ना और कंसंट्रेशन थोड़ा बढ़िया बनाओ, मजा आएगा पढ़ने में। न्यूक्लिक एसिड तो बहुत ज्यादा शानदार है पढ़ने, गजब का मजा आएगा उसमें फुल, ठीक है बच्चों। ओके, पढ़ते रहिए घर पे, अपना ख्याल रखिए, ऑल द बेस्ट।